हाय गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आज हम करने वाले हैं मिंत्रा फेस्टिव कलेक्शन हॉल। जी हाँ, क्योंकि भी फेस्टिवल्स आने ही वाले हैं, सो बहुत सारा स्टफ मैंने बाय किया है मिंत्रा से, और इस तरीके का है जिनको आप अपने पार्टी में, गैदरिंग में, इधर उधर जा रहे हैं, आराम से पहन सकते हो। और मैंने इस हॉल में 14-15 आइटम्स या 14-15 कुर्ता सेट्स इंक्लूड किए हैं। सो विदाउट एनी डिले हम स्टार्ट करेंगे आज का हॉल वीडियो, और इन सभी के लिंक मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सो आप चेक कर लेना। सो अब मैं दिखाती हूँ आपको फर्स्ट कुर्ता सेट। फर्स्ट है हमारा इंडो एरब ब्रांड से, एंड इस तरीके का ऑफ वाइट कलर का ये कुर्ता सेट मिल जाएगा। इसमें ना 3 पीस सेट है, इसमें आपको दुपट्टा भी मिल जाएगा। सो साइज मैंने सभी में, मतलब स्मॉल साइज पिक किया है। इसमें आपको ऐसे वी नेकलाइन मिल जाएगा, एंड जो एक क्रोशिया की या कुछ ऐसे ना इस तरीके का आपको लेसिंग पैटर्न इसमें बीच में मिल जाएगा। और स्लीव आपको इसकी 3/4 स्लीव मिलेंगी, और इसमें आपको ना इतना ज़्यादा सुंदर ऐसे ना बीड्स वर्क वाला ऐसे काम मिल जाएगा। और पूरे ही ये सीक्वेंस लगा रखे हैं, और ट्रांसपेरेंट टाइप के जो सीक्वेंस होते हैं ना, उस तरीके के हल्का हल्का ब्लिंगी ब्लिंगी आपको दिख रहा होगा इसमें। और जिनको भी इस तरीके के पीसेस पसंद हैं तो डेफिनेटली चेकआउट कर लेना, बिकॉज ये ना लाइट वेट भी हैं और बहुत ज़्यादा एलिगेंट भी लगते हैं इस तरीके के पीसेस। आप इनको अपने गैदरिंग्स में पहनो हल्की फुल्की में, और या फिर कहीं इधर उधर जा रहे हो तब इसे कंसीडर कर सकते हो, या फिर आप इनको ऑफिस के लिए भी कंसीडर कर सकते हो। बैक साइड से आपको सिंपल प्लेन मिल जाएगा इसी तरीके का, और जो स्ट्रेट फिट जो कुर्तीज़ होती हैं उस टाइप का है। और इसका जो मटेरियल है वो खादी जूट टच में है हल्का सा, और इसमें ना शाइन भी है, मतलब प्रीमियम है इसका जो मटेरियल है। एंड इसमें आपको लाइनिंग भी मिल जाएगी, बिकॉज ये सी थ्रू नहीं है, और लाइनिंग का जो मटेरियल हल्का सा मुझे क्रेप और कुछ ऐसा इस तरीके का फील हो रहा है। बट इसको आप इस वेदर में आराम से पहन सकते हो, मतलब लाइट वेट है इसका जो फैब्रिक है ना, जूट सॉर्ट ऑफ भी है, बट मतलब ब्रीदेबल और लाइट वेट है इस तरीके का फैब्रिक है। ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा हार्श है या फिर थोड़ा मोटा है, नहीं, आराम से आप इस वेदर में इसको इजीली कैरी कर सकते हो, इस टाइप का है। इसके साथ जो बॉटम रिसीव होती है और सेमी इलास्टिक मिल जाएगा हम लोगों को यहाँ से, एंड इसमें पॉकेट्स अवेलेबल नहीं है, और ये स्ट्रीट फिट काइंड ऑफ जो पैंट्स होती है इस तरीके के, और यहाँ पर भी इस तरीके का ही आपको लेसिंग पैटर्न मिल जाएगा। इसका जो मटेरियल है प्योर कॉटन मटेरियल मिल जाएगा, एंड वाइट है तो आप इसको किसी दूसरे कुर्तीज़ के साथ भी मिक्स एंड मैच कर सकते हो, क्लब कर सकते हो, पहन सकते हो। इसके साथ में जो दुपट्टा है वो आपको ऑफ वाइट कलर और ऐसे क्रीम का ही मिल जाएगा, कलर कॉन्ट्रास्टिंग में। देखो लेंथ फिट बहुत सही है, मतलब जिस तरीके की सही लगती हैं उसी तरीके की अच्छी लगती हैं। इस तरीके के लेसिंग पैटर्न है, और इस तरीके का है ये पूरा। और इसका जो फैब्रिक है कुछ चंदेरी एंड कॉटन का कुछ मिक्स है, मतलब चंदेरी नहीं है, चंदेरी का हल्का फुल्का मतलब 1-2% लग रहा है हल्का सा, बाकी थोड़ा कॉटन और ऐसे मलमल का मिक्स है। सो बहुत ज़्यादा प्रीमियम है ये कुर्ता सेट, बहुत सही है, बहुत ज़्यादा सही है। सो डेफिनेटली चेकआउट कर लेना जिसको भी इस तरीके के पीसेस पसंद है। तो एक तो ऑफ वाइट कलर्स ही समझ में बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। नेक्स्ट मैं दिखाती हूँ आपको, ये है हमारे अनूप ब्रांड से, और इसका भी कलर बड़ा अच्छा है, और इसका जो मटेरियल है प्योर कॉटन मटेरियल है। वी नेकलाइन मिल जाएगा हम लोगों को, एंड इस तरीके का लेसिंग पैटर्न मिल जाएगा, और जो ये पूरा वर्क है इसमें से लीव पैटर्न वाला, ये पूरी ही ना एम्ब्रॉयडरी मिल जाएगी आपको, बहुत अच्छे तरीके से इसमें एम्ब्रॉयडरी हो रखी है, मतलब एकदम नीट एंड क्लीन। 3/4 स्लीव्स मिल जाएगी, एंड इसमें भी इस तरीके का पैटर्न है, बाकी पूरा ही इस तरीके के मोटिव्स मिल जाएंगे इसमें, एंड नीचे जाके इतना ज़्यादा सुंदर और ऐसे ब्रॉड आपको ये वर्क मिल जाएगा, काफी ज्यादा अच्छा है ये। देखो इस तरीके का वर्क है, और बैक साइड से आपको ये पूरा सिंपल मिल जाएगा। इसका कलर अच्छा है, और ये जो इसमें वर्क हो रखा है काफी फिनिशिंग से है। साइज इसमें एकदम परफेक्ट है, मेरा स्मॉल साइज है, और मतलब हल्का हल्का लूज ही है, आराम से आप मतलब परफेक्ट साइज जा सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा। मटेरियल कॉटन है, इस वेदर में आराम से आप इसको कैरी कर सकते हो। और इसके साथ जो हम लोग बॉटम मिल जाएगी फुल्ली इलास्टिक मिल जाएगा इसमें, एंड एक साइड में इसमें पॉकेट अवेलेबल है, और जो स्ट्रेट फिट काइंड ऑफ जो पैंट्स होती है उसी तरीके की है, एंड यहाँ पे भी इस तरीके का लेसिंग पैटर्न इन्होंने यूज़ कर रखा है। और इसमें ना आपको प्योर शिफॉन का दुपट्टा मिल जाएगा, लेंथ वेथ इसके लिए बहुत सही है, फुल्ली पैसा वसूल है। जिसको भी इस तरीके के पेस्टल शेड्स वाले लाइट कलर्स जिनको पसंद है, इसके साथ में आप आराम से जा सकते हो। इसको ऑफिस वगैरह में आप आराम से कैरी कर सकते हो, यहाँ वहाँ जा रहे हो तो उसके लिए कैरी कर सकते हो। नेक्स्ट मैं ऑप्शन दिखाऊंगी, ये वाला कलर इस तरीके के जो सटल कलर होते हैं ना, बहुत ज़्यादा प्रीमियम लगते हैं। और ये है शायद हाउस ऑफ पटौदी से, और इससे पहले जो मैंने अभी दिखाया उसका जो ब्रांड है अनूप ब्रांड था, मैं भूल गई थी बताना, ये है हाउस ऑफ पटौदी का,
और साइज़ मैंने लिया है इसमें स्मॉल, और इसमें बहुत ज़्यादा ऐसे वर्क नहीं है, एम्बेलिशमेंट वर्क बस इसके ऐसे नेकलाइन में है, बट बहुत ज़्यादा सटल सा है ये, देखो राउंड नेक मिल जाएगा और इसमें ये आपको ऐसे वर्क मिल जाएगा, पूरा ही ना ऐसे जरी वाला वर्क मिल जाएगा और ये सीक्वेंस इसमें मिल जाएंगे आपको, जो पूरे ही ना ऐसे मैट फिनिश वाले हैं, बहुत ज़्यादा ग्लॉसी ग्लॉसी नहीं है, ये देखो इतना ज़्यादा सुंदर और ऐसे प्रीमियम कुर्ता सेट लग रहा है मुझे, और इसका जो मटेरियल है ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट मटेरियल है, लाइक बहुत ज़्यादा ऐसे मतलब कैसे बताऊँ मैं इसको, काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है इसका मटेरियल, 3-4 स्लीव मिल जाएगी, और इसमें ना वैसे मुझे हल्का सा चंदेरी वाला फील आ रहा है, लेकिन जो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट जो चंदेरी होता है ना, जो फील भी नहीं होता उस तरीके का, आई थिंक चंदेरी के भी काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन होते हैं, हल्का सा जो मलमल कॉटन सॉर्ट ऑफ होते हैं उस तरीके का, और हल्का सा इसमें चंदेरी का मिक्स है, सो इस तरीके का चंदेरी मिक्स है, तो इसमें ना थोड़ा सा शाइन है, और जो कॉटन मलमल है उसका इसमें जो फैब्रिक मिक्स है ना, इसी की वजह से इतना ज़्यादा लाइट और ब्रीदेबल है, मतलब पहनोगे तो फील भी नहीं होगा इतना ज़्यादा, कलर अच्छा है, और इसका जो ये नेकलाइन का ये डिज़ाइन है ये काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है, और पूरा ही आपको स्ट्रेट फिट में मिल जाएगा सिंपल, और बैक साइड से भी आपको प्लेन मिल जाएगा, इसका फिट लुक बहुत ज़्यादा अच्छा आता है, जिसको भी इस तरीके के न्यूट्रल शेड्स पसंद है तो डेफिनेटली आप इसको चेकआउट कर सकते हो, इसके साथ में जो बॉटम मिलेगी फुल्ली इलास्टिक मिल जाएगा, हम लोगों को पॉकेट्स में अवेलेबल नहीं है, और स्ट्रेट फिट ही इसमें आपको ऐसे पैंट मिल जाएगी, और यहाँ पर भी इस तरीके का लेसिंग वर्क इसमें मिल जाएगा, इसके साथ में प्यारा सा दुपट्टा भी मिलेगा, जो इसमें जो ये वर्क हो रखा है ना काफ़ी ज़्यादा ऐसे प्यारा लग रहा है, और पूरा ही ना ऐसे वोवन वाला वर्क हो रखा है, ये देखो बैक साइड से कुछ इस तरीके का है ये, और लेंथ वर्थ इसकी बहुत ज़्यादा सही है, आप ना इसको ट्राई से देखोगे कि इसका लुक कैसा रहा था, इसका फिट एकदम लूज फिट था, और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं इस तरीके के शेड्स, तो जिसको भी इस तरीके की पसंद है चेकआउट कर लेना, नेक्स्ट मैं दिखाती हूँ आपको, और इस कुर्ते में ना आपको ऐसे स्लीवलेस कुर्ता मिलेगा, लाइक ये नूडल्स काइंड ऑफ स्लीव्स मिलेंगी, और इसमें ना जो ये वर्क हो रखा है ना पूरा प्रिंट नहीं है, काथा वर्क मिल जाएगा आपको, पूरे में ही है इसी तरीके का है मटेरियल, इसका कॉटन मटेरियल है, जो सॉफ्ट वाला कॉटन होता है वो है, और आपको ना ये ऐसे अनारकली सॉर्ट ऑफ जो ड्रेसेस होती है ना, जो कुर्ता होते हैं उस तरीके के मिल जाएगा, फ्लेयर आपको ओके ओके सा मिलेगा, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है, कॉटन के कुर्ते में इतना ही मिलेगा, सो बैक और इसका फ्रंट सेम है, आराम से इसको पार्टी वगैरह में कैरी कर सकते हो, सेमी इलास्टिक मिल जाएगा हम लोग को यहाँ से, एंड ये काफ़ी ज़्यादा फ्लोई फ्लोई है, और ये जो थोड़े से शॉर्ट वाले जो प्लाजो जो फ्लेयर वाले होते हैं ना उस तरीके का है, ये देखो इतना इसमें आपको फ्लेयर मिल जाएगा, काफ़ी ज़्यादा है इसका, जो पहनने के बाद जो लुक आ रहा था ना बहुत ज़्यादा अच्छा आ रहा था, हल्की सी अगर आपको कहीं इधर उधर जा रहे हो तो ज्वेलरीज के साथ इसको क्लब करना, काफ़ी ज़्यादा प्रीटी इसका लुक आएगा, और इसके साथ में ना दुपट्टा भी है, जो कि ऐसे ब्लिंगी ब्लिंगी ना इसमें से सीक्वेंस लगा रखे हैं पूरा भर के, ये देखो इस तरीके का आपको वाइट कलर का ऐसा मिल जाएगा, और इसका जो फैब्रिक है वो चंदेरी सिल्क है, पूरे में इसी तरीके का मिल जाएगा, लेंथ वर्थ एकदम अच्छा है, और ये ऐसे वर्क भी काफ़ी ज़्यादा सही है, और ऐसे वाइट कलर का दुपट्टा है तो किसी और के साथ भी आप यूज़ कर सकते हैं, मिक्स एंड मैच कर सकते हैं, बट उसके साथ उसका कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। नेक्स्ट दिखाती हूँ, नेक्स्ट जो कुर्ता है वो हम लोगों को मिल जाएगा इंडोएरा ब्रांड से, और साइज़ मैंने लिया है इसमें स्मॉल अपना, और इसका फिट लुक बहुत ज़्यादा सही आ रहा था, राउंड नेक मिल जाएगा छोटा सा, एंड इसमें 3/4 आपको स्लीव्स मिल जाएंगे, एंड स्लीव्स भी इतना ज़्यादा सुंदर ऐसे ना वर्क मिल जाएगा, ये पूरा ही ना ऐसे वोवन वाला वर्क है, बहुत ज़्यादा सुंदर है ये वर्क, ये देखो इसमें इस तरीके का ये से लेस वर्क ये ऐसे ना कुछ बना रखा है ऐसे पैटर्न, इसका डिज़ाइन इस तरीके का है, पूरा ये आपको ना वोवन वाला वर्क मिल जाएगा, और इसका जो मटेरियल है कॉटन ब्लेंड मटेरियल है, बैक साइड से आपको पूरा सिंपल मिल जाएगा इस टाइप से, एंड इसमें ना लाइनिंग भी अटैच है, बिकॉज सी थ्रू वैसे भी नहीं था, नीड भी नहीं थी, बट इसका जो मटेरियल हल्का सा क्रेप सॉर्ट ऑफ है, बट हाँ काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है, इसी वेदर में आप आराम से इसको पहन पाओगे, अगर आप एसी वगैरह में हो तो आराम से पहन पाओगे, और बाहर अगर हो तो थोड़ा बहुत इसमें गर्मी लग सकती है ऑब्वियसली। जो हम लोगों को इसमें जो ट्राउज़र मिलेगा उसे फुल्ली इलास्टिक मिल जाएगा, एंड इसके साथ में इस तरीके का बॉटम मिलेगा, लाइक हल्का सा नैरो हो जाएगा यहाँ से, और ये लेसिंग पैटर्न इसमें यूज़ हो रखा है, पॉकेट्स में अवेलेबल नहीं, इसका भी मटेरियल हल्का सा कॉटन ब्लेंड टाइप की है, और इसके साथ ना दुपट्टा भी मिल जाएगा, जो कि ना ऑर्गेन्जा फैब्रिक में है, बट इसका जो ये कट वर्क और ये वाला जो पैटर्न है ये डिज़ाइन है ना बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है, इसका कट वर्क वाला डिज़ाइन, एंड इस तरीके कैसे ये पूरा ये भी पूरा वर्क इसमें एम्ब्रॉयडरी मिल जाएगी,
बहुत ही ज़्यादा प्रीटी प्यारा सा कुर्ता लग रहा है, मतलब प्रीमियम कुर्ता है। यहाँ वहाँ जाने के लिए आराम से आप इसको कैरी कर सकते हो। नेक्स्ट मैं दिखाती हूँ, ऑफ वाइट कलर का ही एक कुर्ता है जो कि थोड़ा सा लॉन्ग है, थोड़ा नहीं मतलब काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग है, ऐसे पाकिस्तानी फिट्स जो होते हैं ना उस तरीके का है ये। और ये भी मैंने इंडोर ब्रांड से लिया और साइज़ स्मॉल ले लिया है, और इसके साइज़ काफ़ी ज़्यादा हैं। लाइक मुझे तो ऐसे लग रहा है ये वाला जो साइज़ मैंने पिक किया है ना, ये ऐसे लग रहा है मीडियम साइज़ वालों को भी आराम से आ जाएगा, इस तरीके की इसके साइज़ हैं। 3/4 आपको ऑलमोस्ट फुल स्लीव्स मिलेंगी। आज स्लीव्स पर देखो इतना ज़्यादा सुंदर इसमें लेसिंग वर्क यूज़ हो रखा है। इसके कलर्स बहुत अच्छे हैं, मतलब पेस्टल शेड्स हैं और एम्ब्रॉयडरी वर्क काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। लाइक ये प्रीमियम कुर्ते हैं, देखो इसका वर्क पूरा आपको इस तरीके का मिल जाएगा। स्ट्रेट फिट काइंड ऑफ है एंड इसमें ये ऑर्गेन्जा वाली ऐसे लेस डिटेलिंग बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। इसके कलर कॉन्ट्रास्ट, मतलब मुझे इसकी हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। इसकी फैब्रिक भी इतना प्रीमियम है, लाइक बहुत अच्छा ऐसा सिल्क टच में है। बैक साइड से पूरा आपको ये सिंपल मिल जाएगा, स्ट्रेट फिट है, काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग है। मुझे पूरा ना पाकिस्तानी जो स्टाइल जो कुर्ते होते हैं ना उस तरीके का लग रहा था ये। और इसमें आपको जो लाइनिंग मिलेगी वो सेंटून फैब्रिक के मिल जाएगी, इस टाइप से है, ऑफ वाइट कलर का है ये। देखो जिसको भी इस तरीके के पीसीस पसंद है, लाइक ये थोड़ा सा कॉस्टली हो सकता है, लाइक 1800-1900 का, बट नो डाउट वर्थ बाइंग है। इससे आप कहीं भी किसी भी गैदरिंग में जा रहे हैं ना टेंट आराम से कर सकते हैं, उस तरीके का है ये। इसके साथ में जो हम लोग बॉटम मिलेगा वो ऐसे हाफ में इलास्टिक है एंड हाफ में इस तरीके का बेल्ट वाला इफेक्ट मिल जाएगा। एंड इसमें पॉकेट अवेलेबल है एक साइड में, और बॉटम आपको इसे स्ट्रेट फिट मिल जाएगा इस तरीके का। लूज लूज फिट इसका स्टाइल है, काफ़ी ज़्यादा सही है। और इसका मुझे सबसे अच्छा लग रहा था इसका दुपट्टा, जिसमें ना इस तरीके के सारे ही कलर्स और मल्टी कलर यूज़ हो रखे हैं। और इसका जो फैब्रिक है वो सिल्क फैब्रिक है, आपको शाइन से पता भी लग जाएगा। ये देखो बहुत ज़्यादा लाइट वेट है इसका जो फैब्रिक है, बहुत ज़्यादा लाइट वेट है एंड क्यूट से इस तरीके के थ्रेड वाले टेक्सचर्स हैं। ट्रायन से भी आपको इसका ना एग्जैक्ट लुक क्लियर हो जाएगा, बहुत ज़्यादा सच में बड़ा ही अच्छा पीस है ये। अब मैं आपको दिखाती हूँ एक जूट सॉर्ट ऑफ खादी कॉटन का सा जो कुर्ता होता है उस तरीके का, और इसको आप अपने ऑफिस में भी कैरी कर सकते हो। और इसमें आपको स्लीव्स नहीं मिलेंगी, स्लीवलेस कुर्ता है ये। वी नेकलाइन मिल जाएगा इस तरीके का, एंड यहाँ पे से छोटी सी से लेस डिटेलिंग मिल जाएगी, स्मॉल साइज मैंने पिक किया है इसमें। और बहुत ज़्यादा सुंदर इसे ना फ्लावर की डिटेलिंग मिल जाएगी, फ्लावर प्रिंट मिल जाएगा इस तरीके का, एंड ये लेसिंग पैटर्न इसका यूज़ हो रखा है ये वाला, छोटा सा यहाँ पे ऐसे कट मिल जाएगा। इसके कलर कॉम्बिनेशन ही काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, और मेरे को इस तरीके के ना जो कुर्तीज़ होती है समर्स में काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते, तो इसको आप आराम से अपने कॉलेज के लिए ऑफिस के लिए जरूर कंसिडर कर सकते हैं। बैक साइड से भी इसी तरीके का है ये, और जो ए लाइन सॉर्ट ऑफ जो ड्रेसेस होती है ना उस टाइप का है, फ्रंट और बैक आपको सेम मिल जाएगा। और इसमें ना जो मटेरियल है इसका खादी कॉटन जो जूट सॉर्ट ऑफ जो होते हैं ना उस तरीके का है, बहुत ही ज़्यादा सही लग रहा है ये। साइज़ मैंने इसमें भी स्मॉल पे किया है और ये परफेक्ट फिटिंग है इसकी, सो आप भी अपना परफेक्ट साइज़ बाय करना, कोई इशू नहीं होगा। और जो इसके साथ हम लोगों को ट्राउज़र मिलेगी, सेमी इलास्टिक मिल जाएगा, और स्ट्रेट फिट काइंड ऑफ जो पैंट्स होती हैं उस तरीके का आपको इसमें पैंट प्लाजो मिल जाएगा, बहुत सही है। इसको आप डेफिनेटली चेकआउट कर लेना, इसका भी प्राइस 1400-1300 या फिर 1500 का। एक्चुअली प्राइजेस ना फ्लक्चुएट होते रहते हैं, सो आप देख सकते हो क्या उस टाइम प्राइस रहेगा। नेक्स्ट दिखाती हूँ मैं आपको, ये आपको एज ए ड्रेस मिलेगी और इसका कलर बहुत ज़्यादा अच्छा है, लाइक जिनको ऐसे सिंपल सोबर कुछ चाहिए सो आप इसके साथ में जा सकते हो। और ये है इंडस ब्रांड से, साइज़ मैंने इसमें जो पिक किया है स्मॉल ही किया होगा ऑफकोर्स। और इसमें ये सिर्फ वर्क मिल जाएगा आपको, ऐसे एम्ब्रॉयडरी वर्क एंड सीक्वेंस वाला वर्क मिल जाएगा इसमें इस तरीके का, आई थिंक आपको क्लियर हो जाएगा। बाकी सिंपल मिल जाएगा, स्लीवलेस है, इसमें आपको कोई स्लीव्स नहीं मिलेंगी, बहुत ज़्यादा फ्लोई है ये एज ए ड्रेस, बहुत ज़्यादा फ्लोई है। और इसमें आपको साइड में इस तरीके के टेसल्स मिल जाएंगे, अगर हल्का फुल्का लूज़ होता है सो इनसे आप फिट कर सकते हो इसको। अब मैं दिखाती हूँ आपको इसका फ्लेयर, बहुत ज़्यादा फ्लेयर है, वैसे भी ट्रायन से आपको एग्जैक्ट लुक क्लियर हो जाएगा, बट मैं दिखा देती हूँ आपको यहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा है, मतलब काफ़ी ज़्यादा है और प्रीमियम है इसका मटीरियल। और बैक साइड से आपको ये पूरा सिंपल मिल जाएगा, जिसको भी ऐसे कुछ हल्की फुल्की पार्टी गैदरिंग्स अटेंड करनी है इसके साथ में आराम से है सो चेकआउट कर सकते हो। नेक्स्ट मैं दिखाती हूँ आपको ब्यूटीफुल सा कुर्ता, जो कलर में भी बहुत ज़्यादा अच्छा है और उसका डिज़ाइन पैटर्न भी बहुत ज़्यादा अच्छा है।
इस तरीके का हम लोगों को इसका नेकलाइन मिल जाएगा, वी सॉर्ट ऑफ, एंड ये ना लेसिंग पैटर्न ऐसे यूज हो रखा है इसमें। और इसका जो मटेरियल है वो भी ना क्रेप में जो क्रस्ट फैब्रिक जो आजकल बहुत ज्यादा कुर्तों में जो चल रहा है ना वो है, मतलब बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, बहुत ज्यादा ब्रीदेबल है, लाइट वेट है और पहनने के बाद फील भी नहीं होता कि आपने कुछ पहना, इतना ज्यादा लाइट वेट है। और इसकी जो सबसे ज्यादा मुझे चीज अच्छी लग रही है वो है इसकी स्लीव्स, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, देखो कितनी ज्यादा क्यूट प्यारी लग रही है इसकी स्लीव्स। और ये ना इसमें सारे ना ऐसे फॉल्स मिरर ऐड कर रखे हैं, फॉल्स मिरर लगा रखे हैं, ये डिटेलिंग बहुत ज़्यादा क्यूट है। इसी की वजह से ये सिंपल सोबर और एलिगेंट कुर्ता लग रहा है मुझे। कहीं भी आपको हल्की फुल्की गैदरिंग में जाना है, अटेंड करना है, चेकआउट कर सकते हो इस गर्मी में भी, मतलब बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है मटेरियल तो उसके हिसाब से भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और पहनने के बाद आप लुक देख सकते हो कि कैसा लगेगा ये पहनने के बाद ट्रायम से। बैक साइड से भी आपको इसी तरीके के पैनल्स मिल जाएंगे, इस तरीके के लेसिंग वर्क। और इसमें ना एक स्टेन लगा हुआ मुझे मिला है, दोनों की क्या लगा है, बट मैं इसे एक्सचेंज करा लूँगी। कुर्ता काफ़ी ज़्यादा क्यूट है, स्पेशली इसका स्लीव और इसका नेकलाइन और इसका मटेरियल फैब्रिक वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, लाइट वेट है। और इसके साथ में जो बॉटम मिलता है हम लोगों को, ये फुल्ली इलास्टिक मिल जाएगा हम लोग को दोनों साइड से, और पॉकेट्स इसमें अवेलेबल नहीं हैं, और सेम ही मटेरियल है इसका। और इसके भी ना एंड्स पे इतना ज़्यादा ये जो इसके स्लीव्स पे थे ये भी ऐसे लेसिंग पैटर्न या फिर ये वर्क इन्होंने अटैच कर रखा है। इसका कट वर्क, इसकी जो ये फॉल्स मिरर की डिटेलिंग काफ़ी ज़्यादा क्यूट प्यारी और बहुत ज़्यादा स्मार्ट लग रही है। नेक्स्ट है हम लोगों के पास ब्लैक कलर का कुर्ता, और इस तरीके के बेसिक सॉलिड ब्लैक कलर के कुर्ते भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं और एलिगेंट भी लगते हैं। इसमें भी ना हल्का फुल्का सा ही वर्क मिलेगा, बाकी सिंपल है ये वाला कुर्ता भी। इसको आप अपने ऑफिस में आराम से कैरी कर सकते हो, काफ़ी ज़्यादा डिसेंट है और अच्छा भी लगेगा। वी नेकलाइन के साथ में से ये लेस वर्क है, और ये ना पूरा एम्ब्रॉयडरी वर्क है लेस में से इस तरीके का। और इसकी जो स्लीव्स हैं ये भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, हल्की से बेल स्लीव काइंड ऑफ इफेक्ट मिल जाएगा, और ये पूरा ही ना वर्क है, एम्ब्रॉयडरी वर्क मिल जाएगी आपको, बाकी आपको एक सिंपल बेसिक मिल जाएगा। और जो स्ट्रेट फिट जो कुर्ते होते हैं उसी तरीके का है फैब्रिक, इसका भी ना प्योर कॉटन है, नो डाउट अच्छा है, इस वेदर में आप आराम से पहन पाओगे। बैक साइड से पूरा आपको सिंपल मिल जाएगा। और इसके साथ में जो हमें बॉटम मिली है वो फुल्ली इलास्टिक मिल जाएगा, और पॉकेट इसमें अवेलेबल नहीं है, जी हाँ इसमें पॉकेट अवेलेबल नहीं है। और जो स्ट्रेट फिट जो काइंड ऑफ जो स्ट्रेट फिट जो बॉटम्स होते हैं उस तरीके की, इसको आप तो किसी और कुर्ते के साथ भी क्लब कर सकते हो, क्योंकि सिंपल है, उसमें एम्ब्रॉयडरी वगैरह कुछ डिटेलिंग नहीं है, तो ये भी अच्छा है। और इसका मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है इसका दुपट्टा, बट इस दुपट्टे की ना लेंथ थोड़ी सी कम है, विड्थ बहुत ज़्यादा है, सो इस तरीके का है ये। प्रिंट तो काफ़ी ज़्यादा कूल है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और फैब्रिक भी मेरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद है, दुपट्टा स्पेशली बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। किसी और ब्लैक कलर के कुर्ते पे भी आप इसे क्लब कर सकते हो, अच्छा लगेगा। नेक्स्ट दिखाती हूँ मैं आपको कुर्ता, ये कुर्ता हल्का सा ना एम्ब्रॉयडरी वर्क मिल जाएगी, और ये है ब्रांड इंडोर ऐसे, और साइज़ मैं आपको सभी बता देती हूँ, ऑलमोस्ट सभी में स्मॉल साइज़ है और मेरे को एकदम परफेक्टली फिट हो रहे हैं, मतलब टाइट बिल्कुल भी नहीं है। ये आपको ऐसे एम्ब्रॉयडरी वर्क मिल जाएगी, ये देख सकते हो आप, ऐसे मल्टी कलर्स की एम्ब्रॉयडरी मिल जाएगी पूरा, मतलब ऐसे योक पार्ट पे ही मिल जाएगी, बाकी पूरा ये सिंपल सा है, 3/4 आपको स्लीव मिल जाएगी, बाकी पूरा ही सिंपल मिल जाएगा। और यहाँ पे ना इस तरीके के ये टाइप्स दे रखे हैं, ताकि हल्का सा अगर लूज भी है तो आप इसको फिट कर सकते हो, इस तरीके के दोनों साइड में मिल जाएंगे। ये टेसल्स हैं जो थ्रेड वाले होते हैं, नॉर्मल अच्छे लग रहे हैं, बाकी ए लाइन सॉर्ट ऑफ जो कुर्ते होते हैं उस टाइप का मिल जाएगा। बैक साइड से पूरा आपको सिंपल मिल जाएगा, एंड इसके साथ में जो हम लोगों बॉटम है वो सेमी इलास्टिक मिल जाएगा इसमें, एंड इसमें पॉकेट्स आपको अवेलेबल नहीं मिलेगी, ये देखो। और इसका जो एंड्स पे भी इस तरीके की डिटेलिंग मिल जाएगी आपको, और इंडो एरा का जो फैब्रिक होता है जनरली वही आपको फैब्रिक मिल जाएगा इसमें, हल्का सा शाइन भी है इस फैब्रिक में, जो मोस्टली इंडो एरा के ब्रांड्स के जो कुर्ते होते हैं उसी तरीके का फैब्रिक है एज इट इज। नेक्स्ट मैं दिखाती हूँ, ये भी ना बहुत ज़्यादा सुंदर कुर्ता है, और ये सिंपल सा है ये भी, बट इसका कलर और ये लेसिंग वर्क, इसकी स्लीव्स, माय गॉड, ये इसी की वजह से बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। ये देखो इसका वर्क, लेस वर्क, ये देखो आजकल ये वाला लेस वर्क ना बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है, हर दूसरे कुर्ते में मिल जाएगा आपको, हर दूसरे कुर्ते में। ये देखो इस तरीके का, एक तो कलर इसका ऐसा है, कोई पहनेगा सब पे अच्छा लगेगा,
और एलिगेंट सा कुर्ता है, आप इसको अपने ऑफिस में भी पहन सकते हो, यह हल्का फुल्का गैदरिंग है उसमें भी पहन सकते हो। ये देखो इसकी स्लीव इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इतनी ज़्यादा स्मार्ट है, और ये फैब्रिक ब्रीदेबल है, जो मैंने अभी आपको सी ग्रीन वाला कुर्ता दिखाया था फर्स्ट उसी तरीके का है, ब्रीदेबल है, पहनने के बाद नहीं फील होता कि आपने कुछ मतलब पहना हुआ है, बहुत ज़्यादा लाइट वेट है। ये देखो बहुत ज़्यादा अच्छा है, ये देखो सिंपल है, स्ट्रेट फिट जो है उसी तरीके का, और बैक साइड से इस तरीके का कुर्ता वरंगा ब्रांड में इस तरीके कुर्ते बहुत सारे हैं, आप कोई भी ट्राई कर लो, जो आपको सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल लगे ना आप वो ट्राई कर लेना, मटेरियल से ना आपको प्यार हो जाएगा, इतना ज़्यादा अच्छा है। और इस तरीके कुर्ते मैं बार बार इसीलिए आपको दिखा रही हूँ, इसीलिए इंट्रोड्यूस करा रही हूँ, क्योंकि इसका जो फैब्रिक है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मज़ा आ जाएगा अगर आप कोई भी मतलब अफोर्डेबल से अफोर्डेबल बाय करते हो ना, बहुत ज़्यादा सही, फिर आप सोचोगे कि एक और ट्राई कर लेना चाहिए, इतना अच्छा है। इसके साथ में जो बॉटम मिलेगी हम लोगों को फुल्ली इलास्टिक मिल जाएगा, और पॉकेट्स में अवेलेबल नहीं है, तो जो स्ट्रेट फिट काइंड ऑफ जो नॉर्मल रेगुलर जो प्लाजो होते हैं उस तरीके का है। मेन था इसका स्लीव्स और इसका नेकलाइन और इसका फैब्रिक, वो है बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट दिखाती हूँ आपको, ये भी काफ़ी ज़्यादा प्यारा कुर्ता है, ये देखो इसकी जो नेकलाइन है इस पर से लेसिंग वर्क मिल जाएगा आपको, काफ़ी ज़्यादा क्यूट सा है, और नेकलाइन है इसका बहुत ज़्यादा छोटा है, नेक जो है इसका काफ़ी ज़्यादा छोटा है, तो जिन लोगों के से बहुत ज़्यादा डीप और बड़े नेकलाइन नहीं पहनते हैं तो एक बार चेकआउट कर सकते हो। इसका प्राइस शायद अभी थोड़ा सा ज़्यादा होगा, इसका मैं ना फ्लिपकार्ट पे भी डाल दूंगी, मैंने देखा था क्योंकि फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल भी है और थोड़ा सा अफोर्डेबल भी है, सो मैं दोनों ही लिंक डाल दूंगी, आप चेक कर लेना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा। बाकी ना प्रिंटेड मिल जाएगा आपको, स्लीव्स इस तरीके की ऑलमोस्ट फुल स्लीव मिलेंगी एंड इस तरीके से लेसिंग वर्क मिल जाएगा। इसका ना फैब्रिक बहुत ज़्यादा अच्छा है, मैं अभी बताती हूँ कि कौन सा फैब्रिक है, ये देखो काफ़ी ज़्यादा शाइन भी है एंड जो स्ट्रेट फिट जो कुर्ते होते हैं उस तरीके का है, बाकी पूरा प्रिंटेड मिल जाएगा। इसका प्रिंट और इसका फैब्रिक और इसका जो ये लेस वाला डिटेलिंग है ना, इसकी वजह से ये कुर्ता सेट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अब मैं बताती हूँ इसका फैब्रिक कौन सा है, इसका फैब्रिक हम लोगों को जो कोटा डोरिया की जो साड़ीज़ होती है ना, जो कोटा डोरिया मटेरियल होता है बहुत सारे लोगों को पता होगा, ये जो फैब्रिक है ना ऑलमोस्ट आपको साड़ीज़ में मिलता है उसी तरीके का फैब्रिक है, काफ़ी ज़्यादा रिच लुकिंग है ये फैब्रिक, और पहनने के बाद आप देख सकते हो कि कैसा लगेगा। बैक साइड में नहीं, इसमें जो लाइनिंग अटैच है वो नॉर्मल क्रेप मटेरियल की और ब्लू है, सॉफ्ट मटेरियल है, बैक साइड से आपको पूरा सिंपल मिल जाएगा, मटेरियल बहुत ज़्यादा अच्छा है, मतलब अलग सा है, थोड़ा सा डिफरेंट सा है। इसके साथ में जो आपको बॉटम मिलेगा फुल्ली इलास्टिक मिल जाएगा, और पॉकेट्स इसमें भी आपको अवेलेबल नहीं मिलेगी, और ये भी आपको जो रेगुलर फिट वाले जो प्लाजो होते हैं ना उस तरीके के, एंड ये लेसिंग वर्क कैसे यूज़ कर रखी है यहाँ पे भी, मतलब छोटी छोटी चीज़ें हैं, मिनिमल सा वर्क है, बट पहनने के बाद डिसेंट लगते हैं, यहाँ वहाँ जा रहे हैं बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं होती है, इस तरीके के कुर्ते को पहन सकते हो। अगर आपको इसमें ना दुपट्टा भी लेना है तो ऑब्वियसली इसमें वाइट कलर की एम्ब्रॉयडरी और डिटेलिंग है, सो आप नॉर्मली शिफॉन का दुपट्टा या फिर कोई भी आपके पास बेसिक दुपट्टा हो आप कैरी कर सकते हो, काफ़ी ज़्यादा कूल क्यूट लगने वाला है ये कुर्ता। नेक्स्ट दिखाती हूँ मैं आपको, इसका भी आपको ना कलर बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा एंड इसका जो नेकलाइन का एम्ब्रॉयडरी वर्क है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसमें ना ऐसे सीक्वेंस वाला और ऐसे जरी वर्क वाला वर्क मिल जाएगा, वी नेकलाइन है और ये देखो इस तरीके का इसमें वर्क मिल जाएगा आपको, और इसका जो स्लीव है उसमें भी हल्का सा ऐसे बेल स्लीव काइंड ऑफ इफेक्ट मिल जाएगा, और ये बहुत ज़्यादा सुंदर से लेस डिटेलिंग इन्होंने अटैच कर रखी है। इसका जो फैब्रिक है ना क्रेप फैब्रिक है, जो थोड़ा सॉलिड वाला क्रेप फैब्रिक होता है उस तरीके का, सो ये पार्टी वेयर कुर्ता है तो अच्छा वाला फैब्रिक इन्होंने यूज़ किया हुआ है नो डाउट। बाकी सिंपल है, स्ट्रेट फिट जो कुर्ते होते हैं उस तरीके के हैं, और लेंथ वेथ आपको इसका ट्रायल से क्लियर हो जाएगा कि कैसा लगेगा। प्लेन है बैक साइड से, मतलब सिंगल कलर में प्लेन बेसिक सा है नेकलाइन, और इसका स्लीव्स पे इसका ये जो एम्ब्रॉयडरी वर्क जो है ये हो रखा है। इसके साथ में जो ट्राउज़र मिलेगी हम लोगों को सेमी इलास्टिक मिल जाएगा, और इसमें पॉकेट्स अवेलेबल है एक साइड में, और जो ये भी नॉर्मल जो रेगुलर फिट जो प्लाजो होते हैं उस तरीके का था, और ये आपको ये लेसिंग वर्क अटैच करे कि इसमें ना बहुत ज़्यादा सुंदर ऐसे जरी वर्क और सीक्वेंस अटैच करेगा। आई होप कि आपको ये क्लियर हो जाएगा, मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छा शाइन है, काफ़ी ज़्यादा सुंदर लेसिंग वर्क यूज़ कर रखी है। सबसे अच्छा लग रहा है मुझे इसका दुपट्टा, दुपट्टे में जो शाइन है ओ माई गॉड, मतलब इतनी ज़्यादा शाइन है। इसका मटेरियल है ऑर्गेन्जा, और ऑर्गेन्जा मतलब शाइनी वाला जो ऑर्गेन्जा होता है ना वो है, बहुत ज़्यादा शाइन है इसमें। इसका लेसिंग वर्क इन्होंने ऐसे यूज़ कर रखा है साइड में, एक साइड में इन्होंने इस तरीके का लेस वर्क यूज़ कर रखा है एंड दूसरे साइड में इन्होंने इस तरीके का कर रखा है,
सो आपको फुल जो है ट्रांस से क्लियर हो जाएगा, बट ट्रांस ही नहीं होगा क्योंकि मैंने इसको ऐसे 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 करके यूज़ कर रखा है, क्योंकि ये थोड़ा सा ऑर्गेन्जा फैब्रिक थोड़ा होता है इस तरीके का, मैनेज थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है करना, और जो लोग दुपट्टे कैरी नहीं करते हैं उनके लिए तो और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो आप देख सकते हो, मैं अभी दिखा देती हूँ, इसका लेस वर्क इस तरीके का है, मटेरियल इस तरीके का एकदम शाइनी शाइनी सा है, फुल्ली पार्टी वियर लग रहा है ये, आराम से कोई भी पार्टी में जा रहे हो एकदम आप बहुत ज़्यादा चमचम होने वाले हो, इस तरीके का है ये फैब्रिक, मतलब अच्छा है एकदम, नाइट में पहनोगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो इस तरीके का है ये। नेक्स्ट दिखाती हूँ, नेक्स्ट और लास्ट जो इस हॉल का पीस है, ये वाला पीस बहुत ज़्यादा अच्छा, लाइक आप इस पीस को पहन के किसी की वेडिंग भी अटेंड कर सकते हो, इतना ज़्यादा अच्छा पीस है ये, और उसके हिसाब से इसका प्राइस बहुत ज़्यादा नहीं है, आई थिंक ये 2000 या फिर 2100 समथिंग का है, उस टाइम क्या होगा प्राइस इसके आप चेक कर लेना, बट ये पीस बहुत 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 ज़्यादा अच्छा है। ऐसे नूडल्स काइंड ऑफ स्ट्रैप मिल जाएंगे, इसमें नूडल्स नहीं है प्रॉपर, बट इस टाइप की ऐसे स्ट्रैप मिल जाएंगी, यू नेक लाइन है इसका, बहुत ज़्यादा से डीप नहीं है, इसका जो साइज़ मैंने पिक किया है स्मॉल साइज़ बट हल्का सा मुझे लूज है, और AKS ब्रांड से है ये, बहुत ज़्यादा सुंदर है यार ये वाला पीस, और इसको ना शायद मैं स्क्रीन पे दिखा भी पाऊँगी या नहीं पता नहीं, मतलब इसमें इतना ज़्यादा फ्लेयर है, इसकी जो बटन डिटेलिंग है ये कुछ इस तरीके की मिल जाएगी यहाँ पे, और ये इसका कलर कॉम्बिनेशन कलर कॉन्ट्रास्टिंग मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और जो फ्लेयर है इसमें ओ माई गॉड बहुत ज़्यादा फ्लेयर है, ये देखो इसमें यहाँ पे ना ऐसे साइड स्लिट भी मिल जाएगा, इसका जो मटेरियल है ना ये वाला प्योर कॉटन है, और पूरा प्योर कॉटन है, और यहाँ से इन्होंने ऐसे ना ऑर्गेन्जा का फैब्रिक भी यूज़ कर रखा है बैक साइड में, बैक साइड में बाद में दिखाती हूँ, पहले आपको फ्रंट दिखा रही हूँ, इस तरीके का ऐसे ना लेसिंग वर्क और पैटर्न यूज़ कर रखा है इसे टायर वाला, नीचे से इसमें बहुत अच्छा फ्लेयर है, ये देखो बहुत ज़्यादा फ्लोई फ्लोई है ये कुर्ता, बहुत ज़्यादा है, और सेम ही आपको इसे बैक में मिल जाएगा, इसका एग्जैक्ट लुक आप ट्रायम से देखना, बहुत ज़्यादा है, आराम से अगर आपको किसी की वेडिंग अटेंड करनी है, कोई बहुत अच्छा ऐसा फंक्शन अटेंड करना है, आप इसके साथ में जा सकते हो, एंड इसका जो प्राइस है वर्थ बाइंग है सीरियसली, इसके साथ में ना हेवी ही आपको प्लाजो मिल जाएगा, बहुत अच्छा प्लाजो नहीं है सॉरी, इसके साथ में स्कर्ट मिलेगी आपको, ऐसा फुल्ली इलास्टिक मिल जाएगा यहाँ से, एंड इसमें इतना ज़्यादा फ्लेयर है इसमें, मतलब फुल्ली पार्टी वियर ड्रेस, बहुत ज़्यादा फ्लोई है, फ्रंट बैक सब आपको सेम मिल जाएगा, कलर कॉन्ट्रास्टिंग इतने ज़्यादा सुंदर है, और ये वाले जो कलर्स हैं पिंक एंड ऑरेंज ये ऑल टाइम फेवरेट है मेरे, जैसे लगता है हमेशा ही बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और इसके साथ में जो दुपट्टा मिलेगा आपको तरीके कैसे लेस वर्क मिल जाएगा इसमें, एंड ये वाला ऑर्गेन्जा फैब्रिक है पिंक कलर का है, और काफ़ी ज़्यादा मतलब लेंथ भी इसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इस टाइप का है ये। सो बस यही था आज का हमारा कलेक्शन, आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा, और वीडियो अच्छा लगे या फिर थोड़ा बहुत हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। चलिए हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।